नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस कोचिंग सेंटर में। आज की जो हमारी वीडियो है वो हरियाणा जीके के बारे में है और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन डाले गए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का या आगे भी जो वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हेनसांग एक डैश यात्री है। ऑप्शन है अंग्रेजी, रोमन, चीनी, पुर्तगाली। आंसर है चीनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के कुटुंब के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डैश योजना शुरू की। भाग्य ज्योति, अनभाग्य, बेटी पढ़ाओ, तीर्थ दर्शन। आंसर है अनभाग्य। क्वेश्चन नंबर थ्री। हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन है जलीय स्थल मानचित्रण, पुलिस स्टेशन, भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार। आंसर है इसका जलीय स्थल मानचित्रण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। मैग्नीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है। ऑप्शन है हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल, गुड़गांव। आंसर है इसका महेंद्रगढ़। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है कर्म, क्रिया, भक्ति, ज्ञान। इसका आंसर है कर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है वह कहलाती है। इसके ऑप्शन है वैसाखी, बीती, खरीफ, समर। आंसर है इसका खरीफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़कल झील कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, थानेश्वर, करनाल, हाथिनी। आंसर है फरीदाबाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र है बहुधान्यक, युधिष्ठिर, प्रजोत्पति, अंगिरस। इसका आंसर है युधिष्ठिर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। 2017 से 18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री डैश के द्वारा पटल पर रखा गया। ऑप्शन है महाबल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु, वकैया नायडू, चिदंबरम। आंसर है कैप्टन अभिमन्यु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की। दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन है रासलीला, फाग नृत्य, लूर नृत्य, खोड़िया नृत्य। आंसर है इसका खोड़िया नृत्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हरियाणा का राज्य पुष्प है चमेली, कमल, गुलाब, गुड़हर। आंसर है कमल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कपिध्वज का दूसरा नाम क्या है? कृष्ण, बलराम, अर्जुन, कर्ण। आंसर है अर्जुन। वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली है? ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, यमुना, कावेरी। आंसर है इसका सरस्वती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? गुड़गांव के वन, सोनीपत के वन, रोहतक के वन, कालेसर के वन। इसका आंसर है रोहतक के वन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान कहलाता है। ऑप्शन है यात्रा योजना, भाग्य ज्योति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला पुलिस योजना। इसका आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। महाभारत में कितने अध्याय हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके 18, 20, 22, 24। इसका आंसर है 18।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 है क्वेश्चन नंबर, हरियाणा में 2017 से 18 तक कितने जिले थे? ऑप्शन है 22, 23, 24, 25। इसका आंसर है 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है कृष्ण, अर्जुन, संजय, वेदव्यास। आंसर है इसका वेदव्यास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की डैश योग्यता विनिर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है शैक्षणिक, आयु, जाति, धार्मिक। आंसर है शैक्षणिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है हिसार, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद। आंसर है अंबाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर, गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, रोमांचक खेल अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन है भिरडाना, राखीगढ़, मोरनी, मुंद्री। आंसर है राखीगढ़। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, अरावली की पहाड़ियाँ कहलाती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ, घग्गर, मेवात की पहाड़ियाँ, हिमालय। आंसर है मेवात की पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, महाभारत में हरियाणा किसके रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन है बहुधान्य, पटना, हरियाणा, कुरुक्षेत्र। आंसर है इसका बहुधान्यक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तार तानकर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है डैश कहलाता है। ऑप्शन है चिमटा, ड्रम, डमरू, सारंगी। आंसर है सारंगी। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।